शंकराचार्य मठ कहाँ पर है? यही ये वाला है, आगे सीधा। यही है? अच्छा, यही से है रास्ता। ओम नमः शिवाय। वाओ। सो आई एम at very 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 auspicious place. Oh god, there are monkeys. Yeah, the bandar hai bahut sare. Kuch kehte to nahi hai? Kehte hai? Acha, wahan se. Oh, I have to change the direction because there are lot of monkeys out there. Yahan se chala jaun idhar se? Shri Adi Shankaracharya 12 साल की आयु में ये इतने उद्दीन थे कि पूरे भारत में ऐसा कोई नहीं था जो इनके साथ शास्त्रार्थ कर सके, मींस डिबेट कर सके। अद्वैत वेदांता फिलॉसफी को लाने वाले भी यही थे। अद्वैत, अब अगर अद्वैत के बारे में मैं समझाऊं तो वो जहां द्वैत नहीं होता। द्वैत मींस ड्यूअलिटी, जैसे आप और मैं दो अलग अलग इंसान हैं। पर जब आपको आत्मबोध होता है तब आपको समझ आ जाता है कि दो तो कुछ है ही नहीं, सब एक है। एवरीथिंग इज वन। तो श्री आदि शंकराचार्य ने भारत में चार मठ की स्थापना करी, वो भी चारों अलग अलग दिशाओं में। पर इन मठ का महत्व क्या है? तो वो महत्व ये है कि हमारे हिंदू के जो असली वेद ग्रंथ हैं वो इन अलग अलग मठ में सुरक्षित रखे गए हैं, जैसे ऋग्वेद गोवर्धन मठ पुरी जो कि ईस्ट इंडिया है, अथर्ववेद ज्योतिर्मठ नॉर्थ इंडिया, सामवेद द्वारका मठ वेस्ट इंडिया, यजुर्वेद श्रृंगेरी मठ साउथ इंडिया, और आज हम जा रहे हैं गोवर्धन मठ जहाँ असली ऋग्वेद को रखा गया है। So let's go. Let's go. Continue our journey. क्या हो रहा है? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये मठ इतना बड़ा था कि मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मैं इसको कहां से देखूं और क्या क्या देखूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे मन में आया कि काश के कोई होता जो मुझे ये मठ घुमा देता। बस इतना ही मैंने सोचा था और सामने से ये स्वामी जी प्रकट हो गए। इन्होंने मुझे पूरा मठ घुमाया। अरे, अगर ध्यान करना हो तो कहाँ पे कहाँ बैठ? चलिए, अगर मेन मंदिर कहाँ पर है और ध्यान करने के का स्थान कहाँ पर है? यहाँ पर मंदिर, मेन मंदिर में On my first floor. Okay, we are good to go. Oh, can I ask you, sir? Thank you, Baba. Thank you. किधर? अच्छा, इधर से? मुझे मंदिर देखना है पहले, तो मुझे मंदिर घूमना है। चप्पल बाहर उतारनी है क्या? चप्पल? अच्छा, बाहर उतार दूँ? Yeah.
ये बाबा हमारे पर्सनल टूर गाइड हैं, हमें मठ घुमा रहे हैं। बाबा आपका नाम क्या है? राजेंद्र गिरी है। हाँ, राजेंद्र गिरी है। राजेंद्र गिरी, आप साधु कब बने? साधु और 10-11 वर्ष हो गए। 11 वर्ष हो गए। आप क्या साधना करते हो? शंकर का साधना। शंकर का साधन करते हो, ध्यान करते हो शंकर का? बाबा कितने घंटे ध्यान लग जाता है आपका? एक घंटा 10-15 मिनट लगा। एक घंटा लग जाता है अच्छे से ध्यान? भांग पीते हो? सिमटी नहीं कुछ नहीं। गांजा कभी कभी ध्यान के लिए? गांजा पी लेते हो ध्यान के लिए? नहीं ना, गांजा में पी के ध्यान करते हो? अच्छा, फिर वैसे पी लेते हो कभी? कई भक्त सर आगे में जी ध्यान आगे जी खाई तो ना ध्यान पर खाई दो ना ध्यान आगे कहीं खाई दो। अच्छा, ध्यान में कुछ नहीं, मतलब ध्यान ध्यान में कुछ खा? अच्छा, ध्यान बिल्कुल संपूर्ण चेतना के साथ? अच्छा, स्नान करके सिर्फ ध्यान? चैतन्य महाप्रभु है बाबा? ओ श्री आदि शंकराचार्य, श्री आदि शंकराचार्य। बोलिए। आई गॉट अ फेदर फ्रॉम देयर डोरस्टेप। यहाँ पे उनका करार आश्रम है, उन्होंने भी शिव को पा लिया था, महासमाधि है उनकी, उन्होंने बिल्कुल चेतना में शरीर छोड़ा था अपना, मुद्रा में, शांभवी मुद्रा में बैठ के प्रॉपर। यही इधर ही है क्या? 100 मीटर पे ही है करार आश्रम। कभी आइएगा? आप नहीं जाते? मेरा तो आश्रम है ना, कंटिन्यू नहीं से रहना। हाँ नहीं, वैसे देखने के लिए क्या? ये विमला ना? हाँ, विमला ना, ये विमला ना, विमला ना तुम्हें? ये खाने वाली चीज़ है? जैम है? जैम है। पंडित जी ज़्यादा मत खिलाओ। ये खाते भी है? सच में खाते हैं? ओके। तो गाइस, मेरा और स्वामी जी का यहीं तक का साथ था। मानो मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि भगवान ने स्वयं इनको सिर्फ मेरे लिए यहाँ भेजा है, ताकि मुझे ये अच्छे से मठ घुमा सकें। तो चलता हूँ मैं, थोड़ा बाहर पूरी की सड़कों में घूमूंगा, कुछ लोगों से मिलूंगा। तो मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलूंगा आप लोगों से किसी नए शहर में, किसी नई गलियों में, कुछ और लोगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। Until then, love, peace, and Jai Jai Swami Rajendra Giri Maharaj.